कर आपका। और ये अच्छी खबर कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अब आपात इस्तेमाल के लिए हरी झंडी मिल गई है, लेकिन फिर भी क्या सावधानियां बरतनी होगी और किस सिचुएशन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी खबर है कि भारत में दो वैक्सीन को अब परमिशन मिल गई है। अगर हम दोनों ड्रग कंट्रोलर की स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो इसमें दोनों वैक्सीन की परमिशन में कुछ हद तक अंतर है। जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है, जिसकी स्टडीज बाहर भी हुई हुई हैं और जिसका रेगुलेटरी अप्रूवल इवन यूके से मिला हुआ है, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई है और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ही ये वैक्सीन जो है हमारे हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको एज इमरजेंसी सिचुएशन में अप्रूवल दिया गया है, कि क्योंकि एक और चिंताजनक की बात जो पूरी दुनिया में आ रही है वो है जो म्यूटेंट या वेरिएंट स्ट्रेन है जी। और हम देख रहे हैं कि यूके में भी और यूएस में केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। भारत की स्थिति अभी बहुत अच्छी है और हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी केसेस एकदम बढ़ना शुरू हो, तो इसलिए ये बेहतर रहेगा कि हमारे पास एक बैकअप वैक्सीन हो कि अगर हमें ज्यादा डोजेस चाहिए या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एक वैक्सीन काम नहीं कर रही तो दूसरे प्लेटफॉर्म वाली वैक्सीन हमारे पास हो। इसको नजर में रखते हुए जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसको भी एकदम अप्रूवल दिया गया है, लेकिन वो इमरजेंसी सिचुएशन में और अंडर क्लोज क्लिनिकल ट्रायल सिचुएशन में दिया गया, क्योंकि उसकी अभी स्टडी पूरी हुई नहीं है, चल रही है, लेकिन अभी तक जो डेटा आया है उसमें सेफ्टी और एफिकेसी बहुत दोनों आए हैं और ये वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पे यूज की जाती है जहां पे हम आम वैक्सीन को भी यूज करते हैं। इसलिए बहुत अच्छी खबर है, हमने एक तो वैक्सीन की पूरी अप्रूवल दे दी है, हमने अब तैयारी कुछ हद तक ये भी की है कि मान लो एक वैक्सीन पूरी तरह से कामयाब ना हो या हमें ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़े तो दूसरी वैक्सीन भी हमारे पास एकदम अवेलेबल होगी। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी ये क्या होता है, वो कौन सी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें ये इस्तेमाल की मंजूरी मिली है? तो जब हम इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन की बात करते हैं, और ये भारत में नहीं सारे दुनिया में यूज किया जाता है और इसमें चाहे ड्रग्स हो या वैक्सीन हो दोनों के लिए किया जाता है। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे हमें बहुत ज्यादा लोगों की जान जा रही है या बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है और हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से कंट्रोल किया जाए और कोई अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं है, तब हम किसी दवाई को या किसी वैक्सीन को उसका लिमिटेड डेटा देख के कि ये अब सेफ है, ये कुछ हद तक इसमें डेटा आ रहा है कि ये असर करेगी, लोगों की जान बचा पाएगी, तो हम इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दे देते हैं, लेकिन उसके साथ उस दवाई का या वैक्सीन का ट्रायल चलता रहता है, रिसर्च चलती रहती है और डेटा एक्यूमुलेशन भी चलती रहती है। उसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास सिग्नल्स हैं कि ये कामयाब चीज है, ये काम हेल्प करेगी, तो हम उसको देना शुरू करें जिससे लोगों की जान बचे, लेकिन साथ साथ हम अपनी रिसर्च भी पूरी करते रहें जिससे हमें पता चले कि कितना ये इफेक्टिव है, कितनी देर तक इसका असर रहेगा और कोई साइड इफेक्ट जो रेयर हो वो मिस ना हो। बिल्कुल रणदीप जी, एक सवाल और, क्योंकि जितने लोग इस वक्त सुन रहे होंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के, सब किसी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये आपकी बॉडी में जाने के बाद किस तरीके से काम करेगा, या फिर रिएक्शंस भी अगर साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं तो किस तरीके से होगा, क्योंकि इस पर पूरा स्टडी और रिसर्च किया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल, तो दोनों वैक्सीन के थोड़े से प्लेटफॉर्म अलग हैं पर दोनों एक ही चीज करते हैं कि जब हमारे शरीर में जाते हैं वहाँ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं और एक हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन जो है वो मल्टीपल मैकेनिज्म से हमारे शरीर में हमको प्रोटेक्शन के लिए एक्टिवेट करता है और इसीलिए थोड़े बहुत अगर वायरस में म्यूटेशन हो तो उससे वैक्सीन पे असर नहीं आता। जो ये वैक्सीन्स हैं ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं जिसको हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कहते हैं, और एक और हमारा इम्यून सिस्टम है जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, उसको भी स्टिमुलेट करते हैं और हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करते हैं कि हम इस मेमोरी हमारे मेमोरी सेल्स याद रखें कि ये एक वायरस है जिसके अगेंस्ट हमें लड़ना है और जब भी वायरस से एक्सपोजर होगा तो मेमोरी सेल एंटीबॉडी स्टिमुलेट करके बॉडी में फिर से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे अच्छी मात्रा में, जिससे हम वायरस से टैकल कर पाए। तो हमारा जो वैक्सीन का जो मकसद होता है वो यही है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए जिससे हमें बहुत सीवियर डिजीज ना हो और हम आईसीयू में किसी को जाने की जरूरत ना पड़े जी। लेकिन हर एक वैक्सीन के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इस जो दोनों वैक्सीन आई हैं उसके साइड इफेक्ट जो हैं बड़े माइनर हैं, बहुत कम लोगों में, जहां पे इंजेक्ट टीका लगता है वहां पे कुछ हद तक दर्द हो सकता है, एक दो दिन के लिए बुखार हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकती है, लेकिन ये माइनर साइड इफेक्ट्स हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के लिए, इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। रेयरली ये देखा गया है कि कई लोगों को किसी जो वैक्सीन में प्रोडक्ट्स हैं
या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम जो भी जिनको भी वैक्सीन लगती है वो आधा घंटा उसी साइट पे वेट करते हैं, क्योंकि अगर उनको कुछ रिएक्शन होता है आधे घंटे में तो उसके लिए हम दवाई दे सकते हैं। तो वो कल के जो ट्रायल हुआ था, डमी रन हुआ था, उसमें भी ये पूरी तरह से इसकी तैयारी देखी गई थी कि अगर किसी को वैक्सीन से रिएक्शन हो तो उसके भी उसका भी हम पूरी तरह से ट्रीट कर पाए। सर, ये साइड इफेक्ट्स और रिएक्शन के ऊपर ही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि वो पेशेंट्स जो बीपी से ग्रसित हैं, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, और खास करके मुझे लगता है पहले बुजुर्गों को ही ये वैक्सीन दी जाएगी, तो क्या उनके साइड इफेक्ट्स कुछ अलग से देखने को मिलेंगे? 70-75 साल का जो बुजुर्ग है, जो पहले से ही तमाम शारीरिक बीमारी से जूझ रहा है, क्या उनके साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए ये 30 मिनट का वक्त ही लगेगा, जैसा हमने ड्राई रन में देखा भी कि एक मॉनिटर रूम अलग से बनाया गया था? बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनकी जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मान लो डायलिसिस पे हैं, या जिन जो कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, चाहे वो कैंसर के लिए हो या किसी और क्रॉनिक बीमारी के लिए हो, उनमें भी ये वैक्सीन जो है सेफ है और उनको कोई घबराने की बात घबराना नहीं चाहिए। कुछ हद तक डेटा इसका है कि ये वैक्सीन इन लोगों में भी सेफ है, इसलिए कोई हमारे पास ऐसा सिग्नल नहीं है कि इन लोगों में वैक्सीन में कोई सीरियस साइड इफेक्ट होगा, चाहे हम इमीडिएटली की बात करें या लॉन्ग टर्म की बात करें जी। जो हमें कभी कभी डेटा चाहिए जो हमें बाद में आएगा, वो है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स कम है, उसमें वैक्सीन क्या उतनी ही कामयाब रहेगी जितना हेल्दी लोगों में रहेगी। इसके लिए डेटा जो है वो आस्ते आस्ते एक्युमुलेट हो रहा है। अभी तक जो डेटा आया है स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप में, उसमें यह लगता है कि ये वैक्सीन उतनी ही कामयाब होगी यंगर एज ग्रुप में भी, ओल्डर एज ग्रुप में। उम्र के हिसाब से लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, जिसको हम इम्यूनोसेंस कहते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि वैक्सीन शायद इतनी असरदार ना हो बुजुर्गों में, लेकिन अब जो डेटा आया है उसमें ये है कि ये वैक्सीन कामयाब होगी। और जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उसमें कितनी एफिकेसी होगी उसके लिए अभी डेटा आस्ता आस्ता एक्युमुलेट हो रहा है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों के लिए ये वैक्सीन बिल्कुल ही सेफ है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है रणदीप सर, जो बातें आप कह रहे हैं कि हर किसी के लिए वैक्सीन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी साबित होगी। अब सर, एक और चीज यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब टीकाकरण आप कराते हैं तो उस टीके का एक अंतराल होता है कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको वो टीका लगवाना होता है या वक्त वक्त पे, तो ये जो वैक्सीन लगेगी कोरोना की, ये कितने दिन तक, लंबे वक्त तक कारगर रहेगी? आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप कर पाएगी? इम्यून को कितना बूस्टअप कर पाएगी? कितने वक्त के जिस तरीके से अंतराल पे हम इसको दोबारा लगवा सकते हैं, या फिर एक बार लगवा ली तो आपको आगे लगवाने की जरूरत नहीं है? तो कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं, और कुछ होती हैं जो हमें रेगुलरली लगानी पड़ती हैं। कोई हमारे पास वैक्सीन है जो हर साल लगानी पड़ती हैं, कुछ वैक्सीन है जो 5 साल में एक दफा लगानी पड़ती हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि ये जो हम वैक्सीन लगाते हैं ये हमें इम्यूनिटी कितनी देर तक रहती है। अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 9 महीना या साल भर तो ये वैक्सीन इम्यूनिटी देगी। उसके आगे क्या कितनी इम्यूनिटी देगी इसके लिए अभी इतना डेटा नहीं है, क्योंकि इतना पैंडेमिक का ड्यूरेशन ही इतना नहीं हुआ, इतना स्टडीज नहीं है कि हम कह पाएं कि 1 साल बाद क्या सिचुएशन होगी। लेकिन जो कोरोना वायरस है ये वायरस बहुत आस्था चेंज होता है, म्यूटेशन इसमें कम होते हैं। लोगों का मानना है कि साल से ज्यादा भी वैक्सीन से इम्यूनिटी हम लोगों को मिल सकती है, लेकिन ये हम आगे जैसे जैसे डेटा आएगा उससे पता चलेगा। दूसरी चीज एक और इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है कि ये हमारी जो वैक्सीन आ रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हैं। वैक्सीन की ट्रायल्स अभी 50 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन की हो रही हैं। भारत में ही हम देखें तो 6 से 8 वैक्सीन ट्रायल चली हुई हैं और नई वैक्सीन आएंगी। हो सकता है कि 6 महीने बाद या साल बाद हमारे पास और बेहतर वैक्सीन आ जाए जो और इफेक्टिव हो, और हम कहें कि बस एक ही टीका लगाओ और आपको उम्र भर कोविड से छुटकारा हो गया। तो अभी तो ये अर्ली स्टेज है, वैक्सीन की रिसर्च चली हुई है। इस साल हमें कई और नई चीजें मिलने को आएंगी वैक्सीन के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि हम न्यू क्वालिटी और बेटर वैक्सीन भी आगे हम देख पाएंगे। बिल्कुल, हालांकि रणदीप जी देखिए, ये जो नया साल मुबारक हो हम कहते हैं, तो मुबारक तो ये साल हो ही गया है इस खुशखबरी के साथ, और इसी के साथ हम सबको ये पूरी तरह से हम श्योर हैं, क्योंकि बड़े लंबे पैमाने पर टीकाकरण भारत ने इसके पहले भी देखा है हमारी जनसंख्या के लिहाज से, और ड्राई रन भी जो वैक्सीन का है वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। फिर भी रणदीप जी आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या जब 135 करोड़ जनता तक ये वैक्सीन जाएगी तो
उतनी भारी भीड़ के लिए और उस उन लोगों को संभालने के लिए और ठीक ढंग से वैक्सीन देने के लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है? आगे कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज को लेकर? क्या आप आश्वस्त हैं पूरी तरह? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एक हमारा वैक्सीन का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि हम जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो, वो हम कई सालों से चला रहे हैं और हम हर साल कम से कम 5 या 6 करोड़ बच्चों को और महिलाओं को वैक्सीनेट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, उसी को हमने अपग्रेड किया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक पूरा ऐप बनाया है, एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हम कोविन कहते हैं, और उस प्लेटफॉर्म में यही देखा जा रहा है कि हम पूरी लिस्ट बनाएं वैक्सीन, जिनको वैक्सीन लगनी है उनकी टाइमिंग हो, कहाँ पे लगनी है, उनको एक SMS जाए, उनका जो मोबाइल नंबर है कि आपको इस टाइम पे आना है, आपको इस जगह पे आना है, आपको वैक्सीन लगेगी, जिससे क्राउड ना बने और लोग अपने ठीक टाइम पे पहुंच के वैक्सीनेट करके चले जाएं और फिर अगला बैच आ जाए, इससे क्राउड भी नहीं बनेगा और सब लोगों को आराम से वैक्सीन लग जाएगी। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इससे मुझे लगता है कि आराम से और स्मूथली सब लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। अच्छा, कई सारे टीके जो हमें लगते हैं, चाहे बच्चों को या बड़ों को भी, उन टीकों का कुछ एक हल्का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे बुखार है, दस्त बच्चों को शुरू हो जाती है, तो क्या इस वैक्सीन के लगने के बाद भी इन छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ एक शरीर में बदलाव होंगे, ताकि लोगों में पैनिक ना हो एकदम से? क्योंकि ये वैक्सीन जब आई है, कोविड के बाद हम इस अच्छे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जो सामान्य होंगे? बिल्कुल, कुछ लोगों में 10% के आराम से, अगर 100 लोग लगा रहे हैं तो 10 लोगों में ऐसा हो सकता है कि उनको जहां इंजेक्शन लगा है वहां पे थोड़ा सोरनेस हो, दर्द हो और बुखार हो 1-2 दिन के लिए और शरीर में दर्द या फटीक हो। ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी कह लीजिए, या ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि इसका ये मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम जो वैक्सीन, जो हमने वैक्सीन दी उसमें, उसको रिएक्ट कर रहा है और एंटीबॉडीज बनाने में मदद कर रहा है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं और जो भी लोग वैक्सीन के लिए आएंगे उन सबको ये समझाया जाएगा। इसकी ट्रेनिंग जो लोग वैक्सीन देंगे, वैक्सीनेटर्स जो हैं, उनको दी गई है कि आप जब आएँ तो उन सब लोगों को समझाएं कि आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप इससे घबराएं नहीं, और अगर आपको लगे कि कुछ ज्यादा तकलीफ है तो आप हेल्पलाइन से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा रणदीप जी, क्योंकि हम जानते हैं कि चरणबद्ध तरीके से कोरोना की वैक्सीन पूरे देश तक पहुंचाई जाएगी, सबसे पहले शायद जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उन्हें दिया जाएगा, फिर बुजुर्गों को और बच्चों को शायद ये दिया जाएगा, पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो आपके आकलन के हिसाब से कब तक आप देख पा रहे हैं, आगे आने वाले कितने महीनों तक, जब वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से खत्म होगा? खत्म कब होगा ये तो पैंडेमिक ही बताएगा, लेकिन पहला जो चरण है वो मुझे लगता है कि 4-5 महीने में पूरा हो जाएगा, जो हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है, 2 डोजेस देनी है। उसके बाद दो चीजें पे डिपेंड करेगा कि अब हमारे केसेस कितने हैं, कितने डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन आस्ता आस्ता उसके बाद सब लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। साल के अंत तक मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे कि हमारे पास वैक्सीन जो है लोगों को लग चुकी होगी, मार्केट में भी अवेलेबल होगी कि कोई अपने आगे जाके खुद वैक्सीन लगाना चाहता है तो खुद भी वैक्सीन लगा सकता है। इसके अलावा रणदीप जी, मैं चाहूंगी कि बड़े सारे लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति भी है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कई तरह की बयानबाजी भी हो रही है, हालांकि जो पॉलिटिकल बयानबाजी है उस पर तो आपका रिएक्शन मैं नहीं लूंगी, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि वैक्सीन जो है उसे लेकर के एक स्पष्टीकरण भी दिया जाए, वो चाहे सरकार की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, कि आखिर इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा बीते दिनों कई तरह के बयान सामने आए वैक्सीन को लेकर। आप सबसे बेहतर शख्स है मुझे लगता है जो इस वैक्सीन को लेकर के स्पष्टीकरण दे सकते हैं, जनता को ये कह सकते हैं कि अपने वैज्ञानिकों पर, डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा वो रखें। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ये वैक्सीन बनाई है। भारत में बहुत काम हुआ है, दुनिया में बहुत काम हुआ है, नहीं और पूरा सेफ्टी और एफिकेसी को ध्यान में रखते हुए कई सरकारों ने, कई इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, रिस्क भी लिया है कि अगर वैक्सीन नहीं कामयाब हुई तो कोई बात नहीं, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। उन सब को हम रिस्पेक्ट करें और इस पे ना जाएं जो हम सोशल मीडिया पे जो वैक्सीन के फॉल्स न्यूज़ आ रही हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना इसमें कोई रीजनलिज्म है या ग्रुपिज्म है। वैक्सीन सबके लिए है और ये उस मकसद से बनाई गई है, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। हम ये चाहते हैं कि जितना हमने पिछले साल तकलीफ सही है उससे हम निकलें,
चाहे वो हमारा इंडिविजुअल हेल्थ की बात करें, कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों की या अपने लोगों की जान गंवाई है, या फिर स्कूल्स बंद हुए हैं, स्कूल लोगों की एजुकेशन पे फर्क पड़ा है, या कई लोगों ने अपनी जॉब लूज की है क्योंकि कई इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं, तो सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसलिए इस पे हम कोई इस टाइप की कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, सब लोग आगे आए, वैक्सीन लगाएं और हम इस कोविड पैंडेमिक से बाहर निकलें जिससे हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो पाए। बिल्कुल रणदीप जी, देखिए अभी हम कोरोना के स्टेज से गुजर ही रहे थे कि नया स्ट्रेन इसका देखने को हमें मिल रहा है। ऐसे में जब ये वैक्सीन अब वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरे देश में शुरू हो रहा है, तो उसमें ये कितना कारगर नए स्ट्रेन में साबित होने वाला है, इसको लेकर के भी आपने स्टडी की होगी। मैं चाहूंगी थोड़ा इसको भी समझाएं कि क्या उस स्ट्रेन में इसके डोज को बढ़ा देने से राहत मिल जाएगी लोगों को, या अलग से फिर वैक्सीन पे काम करना पड़ेगा। तो जो हम, जैसे मैंने कहा था, वैक्सीन अलग अलग एरियाज पे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए एंटीबॉडीज या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाता है। अभी तक जो डेटा आया है और वो बाहर से भी है कि जो नया वेरिएंट है, जो नया स्ट्रेन है, वो जहां जहां पे उस पर म्यूटेशन हुए हैं वहां उससे वैक्सीन पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वैक्सीन अभी भी कामयाब रहेगी। लेकिन आगे क्या स्ट्रेन चेंज हो सकता है इसको नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने दूसरी कंपनी जो भारत बायोटेक को भी एमरजेंसी सिचुएशन के लिए अप्रूवल दिया, इसीलिए दिया है कि मान लो म्यूटेशन हमारे देश में ज्यादा आ जाता है तो हमारे पास बैकअप के लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म की वैक्सीन भी होनी चाहिए जो पूरे वायरस पे एक्ट करती है, मल्टीपल साइट पे एक्ट करती है। तो ये जो वैक्सीन है ये अलग साइट्स पे एक्ट करेगी और इसलिए वो वायरस को कंट्रोल, वेरिएंट या म्यूटेंट वायरस को कंट्रोल करने में ज्यादा कामयाब रहेगी। इसीलिए दोनों, जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को अप्रूवल दिया गया कि आप अपने वैक्सीन को बनाओ, अपने स्टोर इतने डोजेस हों कि अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आए कि एकदम केसेस बढ़े म्यूटेंट स्ट्रेन के कारण, तो हमारी पूरी तैयारी हो कि उसको भी हम टैकल कर पाए। लेकिन इसमें रिसर्च करने की जरूरत है क्योंकि वायरस जो है ये म्यूटेट करता रहता है और इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, चाहे सर्वेलेंस हो चाहे प्लानिंग हो, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। सर, ये वैक्सीन लगने के बाद क्या उन पेशेंट को किसी तरीके के कोई प्रिकॉशंस भी लेने होंगे उनके डेली रूटीन को लेकर के? अब यहाँ पर कुछ बातें अगर आप बताना चाहें कि क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर किसी तरीके का हमने देखा भी है, वैक्सीन आप लेते हैं तो 2-4 दिन तक आप प्रिकॉशन में रहते हैं, तो क्या 2-4 दिन तक आपको मॉनिटर पे रहने की जरूरत है? अगर आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट 30 मिनट या 1 घंटे के भीतर नहीं भी दिख रहा है तो भी, उसके बाद आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप को मॉनिटर करना है। जैसे हमने कहा कि कुछ लोगों में बुखार, बॉडी एक्स हो सकती है जो 1-2 दिन तक रह सकती है, उसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई इतना घबराने की बात नहीं, आप बैक टू नॉर्मल वर्क कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं कि आप मास्क लगाना बंद कर दें, हैंड वॉशिंग बंद कर दें या फिजिकल डिस्टेंसिंग बंद कर दें, क्योंकि एक तो ये है कि वैक्सीन की पूरे असर होने के लिए 2 डोजेस का जरूरत है और दूसरे डोज लगने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में अच्छी एंटीबॉडीज बनेगी कि हम कहें कि आपकी अच्छी प्रोटेक्शन हो रही है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन, हमें ये देखना है कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से रोकती है या डिजीज से रोकती है। अभी तक हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वैक्सीन आपको डिजीज से रोकती है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको कोविड का एक्सपोजर होगा तो आपको माइल्ड डिजीज इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा बीमारी नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या आईसीयू जाना पड़ जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा बुखार, जुखाम, नजला हो सकता है। अगर आपको जुखाम, नजला, बुखार हुआ तो इसका मतलब आप कुछ हद तक इन्फेक्शस हो सकते हैं, चाहे इतने इन्फेक्शस नहीं हो, माइल्डली इन्फेक्शस हो, लेकिन आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना तब भी जरूरी होगा। रणदीप जी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, मैं माफी के साथ बीच में टोक रही हूँ। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि माइल्ड सिम्टम उसके बाद नहीं दिखाई देगा, तो जैसे अभी हम सब सशंकित रहते हैं, अगर जरा सी छींक आ जाए, बुखार हो जाए, तो हमें लगता है कहीं कोरोना तो नहीं है, उसका भी टेस्ट करा लें, तो क्या आगे आने वाले वक्त में भी अगर ऐसे ही किसी को नजला, जुकाम, खांसी, छींक, बुखार आता है, तो क्या तब भी सशंकित रहना पड़ेगा वैक्सीन के बाद भी कि ये माइल्ड सिम्टम कोरोना के भी हो सकते हैं? उसके बाद भी हमें ये है कि हमें ये नहीं है कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, लेकिन ये है कि आपको प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे आसपास सब लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी होगी, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो अभी भी ससेप्टेबल है, जिसको इन्फेक्शन के चांसेस हैं,
और अगर हमें थोड़ा सा भी माइल्ड कोविड हुआ है, वैक्सीन से सीरियस सीवियर कोविड नहीं हुआ पर माइल्ड कोविड हुआ है, तो हम और लोगों को इन्फेक्शन दे भी सकते हैं, इसलिए हमें तब भी प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। रणदीप जी, मैं चाहूंगी आप ये पूरा जो टाइम फ्रेम एक है कि आज अगर मुझे पहली वैक्सीन लगती है तो दूसरी कितने दिन के बाद लगेगी, और फिर उसके कितने दिन के बाद, जैसा आपने कहा 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है एंटीबॉडी डेवलप होने में, तो ये पूरा टाइम पीरियड कितने वक्त का रहेगा एक बार बताएं। तो आप अगर आपको पहली डोज वैक्सीन की लगती है उसके कुछ दिन बाद कुछ हद तक आप में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, लेकिन जब आपको 28 दिन या अब जो जो उसका रेंज है वो 28 दिन से 6 हफ्ते का रेंज है, यूके ने उसको 12 हफ्ते भी किया है, उसके 28 दिन के बाद जब आपको दूसरा डोज लगेगा तो आपकी और ज़्यादा बूस्टर इफेक्ट होगा, एंटीबॉडीज ज़्यादा बनेंगी, सेल इम्यूनिटी भी ज़्यादा होगी, और उस सारे प्रोसेस को दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद पूरी तरह से ऑप्टिमल इफेक्ट आएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके दूसरे डोज के 2 हफ्ते के बाद आपकी एंटीबॉडी सेल लिमिटेड इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो रणदीप जी, ये पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन में क्या कुछ फर्क होगा या दोनों एक ही होगी? जैसे आपने कहा दूसरी वाली बूस्टर वैक्सीन हो सकती है, पहली और दूसरी सेम डोज रहने वाली है या दोनों में कुछ फर्क है? दोनों बिल्कुल सेम है, एक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट करती है और दूसरी उसी इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बूस्ट करके और ज्यादा एंटीबॉडीज और बेटर इम्यूनिटी बनाती है। अच्छा, ये वैक्सीन लगने के बाद सर इसके कितने चांसेस हैं कि अगर आप जो संक्रमित मरीज हैं, कोविड के जो पेशेंट हैं, उनके संपर्क में अगर चले जाते हैं तो फिर आप संक्रमित हो सकते हैं, या फिर वो आप कह रहे हैं कि कोविड के नियमों का हमें पालन करना है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जिस तरीके से हम डरे समय रहते हैं कि कोई सामने अगर संक्रमित व्यक्ति मिल गया उसकी अगर हम जद में आ गए, संपर्क में आ गए, तो हम भी संक्रमण की जद में आ जाएंगे, तो इसके कितने चांसेस है कि वैक्सीन के बाद आप सुरक्षित हैं? तो वैक्सीन के बाद आप ज्यादातर सुरक्षित रहेंगे, चांसेस इसके बहुत कम है लेकिन जीरो नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वैक्सीन के बाद आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, लेकिन आप हम चांस नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें इस वायरस के बारे में अभी और जानकारी जरूरी है, इसलिए यही सेफ रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए वैक्सीन के बाद भी कुछ हद तक हम जो हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, वो करें। और ये जो एक्शन है ये इस वायरस के लिए नहीं, और वायरसेस के लिए भी बहुत यूजफुल है। अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें या और जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन की बात करें या टीबी की बात करें, तो अगर हम मास्क लगाएं तो हमें इन सारे इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा रणदीप जी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बुजुर्ग भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी भी है, गंभीर बीमारी भी है, तब भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, मैं चाहूंगी बच्चों के बारे में भी अगर थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, उन्हें लगनी है नहीं लगनी है, किस उम्र से लगनी है, शुरू होगी, क्या जो बिल्कुल जन्मतवा बच्चा है उसे भी लग सकती है, थोड़ा बच्चों को लेकर के भी अगर थोड़ा क्लैरिटी हो सर। तो अभी तक जो ट्रायल्स हुई हैं उसमें दो जो वर्ग हैं जिनके अभी हमारे पास डेटा नहीं है, वो बच्चे हैं और गर्भवती माएँ हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उस पर हमें सेफ्टी डेटा अभी तक नहीं है, इसलिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो 18 साल से उम्र ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन अप्रूव्ड है जी। अभी ट्रायल्स शुरू हुई हैं देखने के लिए कि जो स्पेशली यंगर चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है कि वो अभी ग्रोइंग एज पे हैं, उन पे कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। रणदीप जी, अभी हम की कमी है सर, यहाँ रोक रही हूँ, छोटा सा सवाल, जो हर कोई जितने भी लोग हैं देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, मैं चाहूंगी उन लोगों को आप इस वैक्सीन को लेकर के बहुत कम शब्दों में आश्वस्त करें कि ये वैक्सीन अब उनके लिए लेकर के आप आए हैं और कैसे उनके लिए ये कारगर साबित होने वाली है, बहुत कम शब्दों में सर, क्योंकि लोग डरे भी हैं इस वैक्सीन को लगाएं ना लगाएं, ऐसी स्थितियां भी हैं लोगों में। मैं लोगों को यही कहूंगा कि अपने साइंटिस्ट पे, अपने रेगुलेटर्स पे पूरा विश्वास करें, वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, आप आगे आके वैक्सीन लगाएं और इसी से हम इस पैंडेमिक से छुटकारा पा पाएंगे। बहुत शुक्रिया रणदीप जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इसी के साथ रणदीप जी की बातों से इतना भी स्पष्ट है कि पूरे हिंदुस्तान ने इस बात को सुन लिया है, ये जान लिया है कि वैज्ञानिकों पर, डॉक्टर्स पर आप भरोसा रखिए, और प्रिया ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस देश